साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गुआंगल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ड्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक। तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 मिलियन था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ड्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक। तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 मिलियन था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ड्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक। तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट
second New York Film Festival 26 September 2014 में थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 बाय 20th सेंचुरी फॉक्स। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब तो बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ज्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिस वॉरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, बट थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th सेंचुरी फॉक्स। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब तो बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ज्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिस वॉरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, बट थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th सेंचुरी फॉक्स। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब तो बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की।
और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस, बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मियामी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th सेंचुरी फॉक्स। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब तो बहुत हाई लेवल की मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस, बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मियामी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th सेंचुरी फॉक्स। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल की मूवी चली हुई है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मियामी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th सेंचुरी फॉक्स। इसको मूवी को
काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक
2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गुआनगर के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ड्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है मैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। सॉरी मैम, गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल की मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ही मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस, बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी, फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ड्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है मैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। सॉरी मैम, गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल की मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ही मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस, बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी, फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ड्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है मैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। सॉरी मैम, गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd
एंड न्यू यॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलन फ्लाइन। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ। जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मियामी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यू यॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली हुई है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलन फ्लाइन। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ। जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मियामी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यू यॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलन फ्लाइन। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून।
इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम, गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की, और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं, और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने, और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं, वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम, गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की, और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं, और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने, और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं, वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम, गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर
की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियम हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 मिलियन था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियम हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान ने।
ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गुआनगा के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मियामी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, बट थिएटर रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली हुई है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गुआनगा के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मियामी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटर रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की, और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गुआनगा के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मियामी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटर रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की, और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं
और एक्ट्रेसेस, बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटर रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 मिलियन था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं, और एक्ट्रेसेस, बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 मिलियन था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं, और एक्ट्रेसेस, बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन।
इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल की मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की, और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं, और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने, और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल की मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की, और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं, और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने, और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत
हाई लेवल ये मूवी चली हुई है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल वन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ड्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 मिलियन था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ड्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ड्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग
एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब तो बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है मैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है मैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब तो बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की।
और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, पर थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 million था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 million की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, पर थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 million था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 million की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, पर थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं।
इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब तो बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ। जब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है एमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब तो बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ। जब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है एमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसौरी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब तो बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन
साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd
सेकेंड न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली हुई है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर करती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी,
गैरी को। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है, नैमी पाइक। तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं, और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने, और लिखा है गिलियन फ्लायन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं, वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है, नैमी पाइक। तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं, और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने, और लिखा है गिलियन फ्लायन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं, वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामन पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कून। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है, नैमी पाइक। तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर
डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ही मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ड्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ। जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ही मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ड्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ। जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट 61 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन डॉलर की कमाई की है। मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ही मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन
गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 million था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 million की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली हुई है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 million था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 million की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की, और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी, फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलन फ्लाइन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक्सीडेंट डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए। मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 million था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 million की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है
और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की, और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है जिसके लिए मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 million था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 million की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की, और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है नैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मैं सॉरी मैम। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियर हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 million था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 million की कमाई की है, मतलब बहुत हाई लेवल ये मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की, और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल एक 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और लिखा है गिलियन फ्लान ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं वो हैं
Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Gary Cohn. इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसवारी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियम हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 मिलियन था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन की कमाई की है। मतलब तो बहुत हाई लेवल की मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी बनी हुई है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसकी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज है इस मूवी की। और इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले हैं, और एक्ट्रेसेस बेस्ट चॉइस ऑफ एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला है। गॉन गर्ल 2014 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने, और लिखा है गिलियन फ्लिन ने। ये मूवी बेस्ड है 2012 की नोवेल गॉन गर्ल के ऊपर। ये इस मूवी में स्टार्स हैं, वो हैं बेन एफ्लेक, रोजामंड पाइक, नील पैट्रिक हैरिस, टाइलर पेरी, गैरी कोन। इस फिल्म में निक ट्यून जो है, जिनका किरदार एफ्लेक ने निभाया है, वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ डिसअपीयर हो जाती है मैमी पाइक, तो उसका बाद वो पहला सस्पेक्ट बन जाता है इसके लिए मिसवारी में। गॉन गर्ल मूवी प्रीमियम हुई थी एज ओपनिंग एट 52nd न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 26 सितंबर 2014 में, और थिएटरली रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अक्टूबर 2014 में बाय 20th Century Fox। इसको मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस मूवी का बजट $61 मिलियन था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने 370.9 मिलियन की कमाई की है। मतलब तो बहुत हाई लेवल की मूवी चली थी, बहुत हिट मूवी रही है। इस मूवी का रन टाइम है 149 मिनट्स, और